हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परिया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स। होपली यू विल एंजॉय, सो लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रैक्शनल नंबर्स। बच्चों, आज हम फ्रैक्शनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, फ्रैक्शनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम उसके बारे में जानेंगे। आई हैड टोल्ड यू लास्ट क्लास प्रॉब्लम्स ऑन डिवाइड। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन डिवाइड के बारे में बताया था कि हम डिवाइड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम्स को समथिंग 2 से 3 टाइम रीड करना है। कितने टाइम बच्चों? 2 से 3 टाइम रीड करना है क्वेश्चन को। फिर हमने जैसे क्वेश्चन को रीड किया, फिर उस क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये गैस कर पाएंगे कि हमें प्रॉब्लम्स में प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, सॉरी मल्टीप्लाई जो भी है, और या फिर डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें प्रॉब्लम्स को समथिंग 2 से 3 टाइम रीड करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समथिंग 3 प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी बच्चों। ठीक है, सो आज मैं आपको 1 प्रॉब्लम्स और समझाती हूँ जिसके थ्रू आप ये गैस कर पाएंगे कि हमें डिवाइड किस प्रॉब्लम में हमें डिवाइड करना है एंड किस प्रॉब्लम में हमें मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ एक प्रॉब्लम्स है जिसे राइट कर रही हूँ बच्चों, जिसे आपको ध्यान से समझना है। एंड जो बच्चे हमारे लास्ट क्लास को नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ वो लास्ट क्लास को देखें और इस प्रॉब्लम को भी समझें। ओके, एक क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है बच्चों इस क्या है 648। कितना है बच्चों? 648। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 648। कितना है बच्चों? 648। इफ वन ऑफ देम इज 8, इफ वन ऑफ देम, इफ वन ऑफ देम 8 क्या है? यदि एक कितना है, सॉरी वन ऑफ देम इज 8 है ना, यदि एक 8 है, मीन्स वन जो भी वन नंबर, मतलब 2 प्रोडक्ट है इसमें, वन प्रोडक्ट यदि 8 है तो फाइंड द अदर नंबर। तो हमें क्या करना है? फाइंड द अदर नंबर। सो हमें एक प्रोडक्ट बता दिया गया, तो आपसे पूछा गया फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर हमें बता दिया गया है, हमसे अदर नंबर पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, सो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। हम ये कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है? आपको गैस होगा कि मैंने मल्टीप्लाई में बताया था कि आपको वन नंबर का दे दिया जाता है और ज़्यादा का पूछ लिया जाता है। मीन्स आपसे पूछा कि एक चेन में यदि 12 बीट्स हैं, ठीक है, तो बताइए कि 36 चेन में कितनी बीट्स होंगे, इस टाइप से। अब यहाँ पर पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 648, इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर नंबर। ऐसे ही डिवाइड में क्या होता है बच्चों, ज्यादा नंबर का आपको दिया जाता है और कम का पूछ लिया जाता है। ठीक है, कम का पूछ लिया जाता है, या इस टाइप से भी होता है
कि आपसे कहने की यदि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक बेंच पर 8 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, तो बताइए कि 268 बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे। ओके, सो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों एक बेंच की बात हुई और 8 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, कोई वन तो नहीं बैठ रहा ना, वन नहीं बैठ रहा ना बच्चों, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन जब एक की बात की जाती है कि यदि एक पर्स में 25 पर्स रखता है, यदि एक पर्स में कितने 250 पैसे रखेगा, तो बताइए कि वो उसके पास कितनी मनी है, ठीक है ना। सो ये किस में हुआ, मल्टीप्लाई में, बट हमारे पास यहाँ पर हमको ज़्यादा का दे दिया जाता है और कम का हमसे पूछा जाता है, या फिर ऐसा होता है इसमें एक की बात नहीं की जाती। आप ध्यान रखना कि इसमें एक पर्सन की बात या एक किसी चीज़ की बात नहीं की जाती है। डिवाइड में ऑलमोस्ट ऐसे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 648, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कितना है 648, इफ वन ऑफ देम इज 8। हमसे बोला गया कि आपके पास वन है, वन जो प्रोडक्ट है उसका नंबर दिया गया आपको, वन प्रोडक्ट क्या है 8 है, तो बताइए कि फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, मीन्स जो 648 है उसे अंदर राइट करेंगे और इसे 8 से डिवाइड करेंगे। किससे 8 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बच्चों, 8 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना हम करेंगे, वन नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके, सो कैसे आएगा इसका आंसर, देखिए अब 8 के टेबल में 6 तो आता नहीं, इसलिए हम 64 को सीन करेंगे। ओके, हमें 8 का टेबल ऐसे रीड करना, या तो 64 आना चाहिए या 64 से कम आना चाहिए, 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40, 8 सिक्स जा 48, 8 सेवन जा 56, 8 एट जा 64, 8 एट जा 64। कितने टाइम में आया बच्चों 8 64, 8 टाइम में, ये 8 और ये 64। ओके, 64 से 64 माइनस होगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है। हमें 8 का टेबल ऐसे रीड करना है कि या तो 8 आए या फिर 8 से कम नंबर आए, तो 8 बन जा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, तो आपका आंसर हो जाएगा मींस सेकंड नंबर, ठीक है। क्या दिया था, वन ऑफ नंबर, तो सेकंड नंबर जो आपका आएगा वो होगा आपका आंसर। ओके, सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, सेकंड प्रोडक्ट हमारा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है बच्चों 8 है, तो सेकंड प्रोडक्ट क्या है हमारा 81। सो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, 2 प्रोडक्ट दिए जाते हैं या 3 प्रोडक्ट बोल दिए जाते हैं, और आपसे बोला जाता है कि एक प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप बताइए कि सेकेंड प्रोडक्ट या थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली एक क्वेश्चन है बच्चों, ए टीचर डिस्ट्रीब्यूट 387 टॉफियां इक्वली अमोंग 9 चिल्ड्रन, हाउ मेनी टॉफीज डज ईच चाइल्ड गेट। ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूं यहां पर, बच्चों इतना याद रखना कि मल्टीप्लाई में ओनली वन की बात, वन से बात स्टार्ट होती है, लेकिन डिवाइड में क्या होता है, आपको कुछ नंबर स्पेशली दिए जाते हैं, ना कि आपसे बोला जाता है कि वन पर्सन का ऐसा कुछ है, आपको बताना है कि 36 पर्सन का क्या होगा, है ना।
ऐसा नहीं होता है। डिवाइड में आपको कुछ नंबर ऑलरेडी पहले से दिए जाते हैं, याद रखना इस चीज़ को। आप यदि आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं डिवाइड, वो सॉरी प्रॉब्लम्स आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन कैसे होते हैं कि हमसे बोला जाता है कि वन चेन में इतने बीट्स हैं तो बताइए कि इतने चेन में कितने बीट्स होंगे। मीन इसमें जब भी कोई बात होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है, कहाँ से, वन से, ठीक है। और डिवाइड में क्या होता है बच्चों, डिवाइड में आपको वन से स्टार्ट नहीं किया जाता, कुछ भी चीज हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें दिया जाएगा 5, 6 अप टू 10, मीन्स नंबर से ही स्टार्ट, मीन्स वन से स्टार्ट नहीं किया जाता ये, ठीक है, नॉट स्टार्ट, ओके। वन से नॉट स्टार्ट मीन्स आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें वन से स्टार्ट होना ही नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स रीड करके बता रही हूँ बच्चों, ध्यान सुनना आप। बोला यार 8 चिल्ड्रन कैन सिट ऑन ए बेंच, 8 चिल्ड्रन है वो कहाँ बैठे हुए, मतलब एक बेंच पर 8 चिल्ड्रन बैठने हैं। हाउ मैनी बेंचेज आर रिक्वायर्ड फॉर 656 चिल्ड्रन टू सिट। ओके स्टूडेंट, क्या वन से बात स्टार्ट हुई, नहीं हुई ना। सेकेंड है, इन आ स्कूल देयर आर 459 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें सिर्फ नंबर्स लिखना है ओनली, हाँ, कितने स्टूडेंट्स हैं, 459, तो 459 से बात स्टार्ट हुई। फिर थर्ड प्रॉब्लम है, 6 buses, ठीक है, आर हायर टू कैरी, 6 से स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद 4 है, ए शॉपकीपर बाउट 650 एग, है ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई बच्चों, 650, फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 348, ठीक है। सो आपको इतना ही याद रखना है कि डिवाइड में क्या होता है, वन नंबर मीन्स वन किसी वन पर्सन की या फिर वन बेंच की या फिर वन बुक्स की बात नहीं होती है, बट मल्टीप्लाई में वन की बात होती है, हर चीज वन से स्टार्ट होती है। सो इस क्वेश्चन में आपको वन से पूछा जाएगा, मतलब ऐसा बोला जाए कि वन का ऐसा दिया हुआ है या वन पर्सन के मीन्स वन, जैसे वन रो में आपने देखा होगा, वन रो में 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने हैं, वन रो में 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो बताइए कि 32 रो में कितने स्टूडेंट होंगे, कितने 32 रो में, है ना। ओके स्टूडेंट, सो मल्टीप्लाई का ऐसा ही क्वेश्चन होगा, यदि एक रो में फर्स्ट, आपको फर्स्ट याद रखना है कि वन का बोला जाएगा और आपको ज्यादा का पूछ लिया जाएगा, सो वहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई, और जहां वन से ना पूछा जाए, ठीक है, मींस क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रीड करनी हो वन से ना पूछा जाए, मींस कुछ नंबर वन के बाद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 अप टू 10 जो भी हैं, या नंबर जो भी हो सकते हैं, लेकिन ओनली वन से नहीं होगा। सो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लर्न रखेंगे, मैं एक प्रॉब्लम और राइट कर रही हूँ जो आपकी डिवाइड की है, इसके थ्रू आप उसे बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे किसे कैसे सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ 9, द कॉस्ट ऑफ 9 बाईसाइकल of the same brand बच्चों आपको दिख रहा है, मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम राइट की, इसमें लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ 9 बाइसाइकल ऑफ द सेम ब्रांड इज रुपीज 4050, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बाइसाइकल। ओके बच्चों, आपको 9 बाइसाइकल का आपको प्राइस दिया गया है, आपसे 1 बाइसाइकल का प्राइस पूछा गया है, सो हम क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे हम डिवाइड। ओके, सो हम 9 को बाहर राइट करेंगे और 4050 को अंदर राइट करेंगे, ठीक है।
अब 9 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए हम 40 को सीन करेंगे. ओके, सो 9 का टेबल ऐसे रीड किया तो 40 आया, 40 से कम आया तो 9 बन जाए 9, 9 2 जाए 80, 9 3 जाए 27, 9 4 जा 9436, 95 जा 45, 96 जा 54, 97 जा 63, सॉरी 94 जा 36. ओके स्टूडेंट्स, 94 जा 36, हमें क्या चाहिए 40 चाहिए और 94 जा 36 होता है बच्चों, और 95 जा 45 होता है वो ज़्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 94 36 फोर टाइम में आया से 4 यहाँ राइट कर देंगे और 36 यहाँ राइट कर देंगे. अब क्या होगा बच्चों, जीरो में से 6 माइनस नहीं होता तो हम इससे बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3. तो 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों, 4, और 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं. ओके, मीन्स 0. फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये हम 5 राइट कर लेंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 9 है और 9 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए हमने 5 राइट कर लिया. ओके, ये क्या हो गया 45. अब 9 का टेबल आपको ऐसे रीड करना है कि या तो 45 आना चाहिए या 45 से कम. ठीक है, तो 9 बन जाए 9, 9 2 जाए 18, 9 3 जाए 27, 9 4 जाए 36, 9 5 जाए 45. कितना हो गया, 9 5 जाए 45. कितने टाइम में आया, 5 टाइम में. ये 5 राइट किया हमने, ये 45 के लिए 45 राइट कर देंगे. ये इसमें से 5 में से 5 माइनस होगा 0 बचेगा, और ये 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 बचेगा. बट हमारे पास अभी एक 0 बाकी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 0 को यहाँ राइट कर देंगे. ओके, जब भी आपके पास डिवाइड हो जाए उसके बाद एक 0 बचता तो आपको उसको आंसर में फाइंड कर देना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर, मीन्स 450. क्या प्राइस होगा, 450 प्राइस ऑफ वन साइकिल, मीन्स वन साइकिल का प्राइस, सॉरी वन बाई साइकिल. तो वन बाई साइकिल का प्राइस क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 450 रुपीस. ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको, और आपको ये भी समझ आया हो किन किन प्रॉब्लम्स में हमें डिवाइड करना है. समझ गए आप लोग, मीन्स 450 रुपीज़ या आपके वाइस, मतलब वन बाई साइकिल का प्राइस है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आया. अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों फ्रैक्शनल नंबर. फ्रैक्शनल नंबर किन्हें कहते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे. ओके, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, और समथिंग 3 प्रॉब्लम्स उठाई थी, और 2 प्रॉब्लम्स ये हो चुकी हैं आपकी बच्चों, जिनके थ्रू आप ये समझ जाना है कि हमें डिवाइड किस टाइप से करना है. और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि हमें डिवाइड में किस टाइप के प्रॉब्लम्स राइट की हुई आएगी, है ना. मीन्स डिवाइड में आपको 1 का नहीं बोला जाएगा, कुछ भी नंबर से स्टार्ट किया जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. After this fractional number, इसके अंदर क्या बोल रहा है, fractional number. अब बच्चों जैसे आप क्या होता है, आपने एक टॉफी ली, ठीक है, अब आपकी सिस्टर है छोटी वाली, उसने बोला मुझे भी चाहिए, हाँ, आपने क्या किया, उसी टॉफी का हाफ किया. सपोज दैट इज आपके पास ये टॉफी है, ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने ली बट आपकी सिस्टर को भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसे अगर कम देंगे तो फिर वो गुस्सा करेगी, तो आप क्या करेंगे, इसका हाफ कर दिया. ठीक है, क्या किया, इसका आपने हाफ किया, आपने हाफ आपने खा ली और हाफ अपनी सिस्टर को दे दी. ये आपकी सिस्टर की हुई, ये आपकी, ठीक है. ओके, आप कोई हमसे पूछे कि इसे फ्रैक्शनल में बताइए कि इस फ्रैक्शनल क्या होगा इसका, तो आपके पास कितनी टॉफी है बच्चों, कितनी टॉफी है, एक टॉफी है, ठीक है, टोटल कितनी टॉफी है, एक. लेकिन आप इसे, आपने अब इसे डिवाइड किया तो कितने पार्ट में टूट गई बच्चों, बताओ, 1 और 2, ये 1 और ये 2, कितने पार्ट में टूटी टॉफी, 2 पार्ट में, कितने पार्ट में, 2, 2 पार्ट थे, जिसमें से आपकी सिस्टर, आपने अपनी सिस्टर को कितना दे दिया, 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट ही दिया ना आपने अपनी सिस्टर को, 2 पार्ट होगा इसमें से, इसमें से आपने 1 अपनी किसको दे दिया, सिस्टर को दे दिया,
किसको दे दिया? सिस्टर को दे दिया। मीन्स यही इश्क का फ्रैक्शनल है। हमने टू पार्ट में से वन पार्ट हमारे सिस्टर को दे दिया। आपने देखा होगा, आपको आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं बच्चों? मिलते हैं ना। सपोज दैट आपके क्लास में आपका टेस्ट हुआ 25 का, आपने देखा होगा टीचर मार्क्स देती है, तो 25 में से बोलती बच्चों 25 में से आपको 15 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 25 में से। जब 25 में से कितने मार्क्स मिले आपको? 15 मार्क्स मिले हैं। मींस ये आपके पास क्या बच्चों? सर्किल। क्या ये? सर्किल। सभी लोग जानते होंगे बच्चों कि ये क्या है? सर्किल। आप क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा ये एक सर्किल है, ठीक है, आप इसका हाफ पार्ट कीजिए, ठीक, ये हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है। अब कितने भाग बन गए बच्चे बताओ? वन और टू। कितने भाग बन गए इसके? वन और टू। कितने बने? टू पार्ट बने इसके। अब मैं वन पार्ट को मैंने बर्ड पार्ट को क्या किया बच्चों? सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या किया? सेलेक्ट किया। तो ये कितने पार्ट हो गए? वन टू, आधा और आधा ये हो गया, टू पार्ट हो गए बच्चों। अब मैंने आपसे पूछा कि टू पार्ट में से कितने पार्ट सेडेड हैं? कितना पार्ट सेडेड है? हाफ ऑफ कर दिया, ये वन और ये टू, ये टू पार्ट हो चुके हैं। अब कितना सेडेड है? तो सेडेड कितना पार्ट है? वन। तो आप क्या राइट कर देंगे बच्चों? वन। क्या राइट कर देंगे? वन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है बच्चों? फ्रैक्शनल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फ्रैक्शनल कहलाता है कि किसी भी, और ऐसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने ये लिखा है कि वन और टू, ऐसे नीचे लिखा हुआ है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? तो हम इसको बोलते हैं वन बाय टू। क्या बोलते हैं? वन बाय टू। क्या बोलते हैं? वन बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ही सपोज दैट आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के फाइव पार्ट्स कर दिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। मीन्स रेक्टेंगल के कितने फाइव पार्ट हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव। कितने पार्ट हुए? फाइव। यदि मैं इनको टू पार्ट को सेडेड कर देती हूँ, ठीक है, वन टू, तो इसका फ्रैक्शनल क्या बनेगा? हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं? फाइव, और इनमें से दो पार्ट, टू पार्ट जो हैं यहाँ पे कैसे हैं बच्चों? सेडेड है। तो आपको क्या आ जाएगा? टू अपॉन फाइव। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शनल बोलते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फ्रैक्शनल मीन्स इन्हीं नंबर्स के बारे में हम आज जानेंगे। ओके, अब एक तो इस टाइप से आया कि आपको फिलअप हुआ आ गया और आपसे बोल दिया गया कि बताइए कि ये मतलब आपको ओनली सिर्फ यहां पर शेप बना दिए गए, कुछ सेडेड कर दिए गए, ठीक है, और कुछ बिना सेडेड रहे। तो आप क्या करेंगे? पहले ने काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर, कितना है? फोर। और इसमें से कितना सेडेड है? तो वन। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? वन अपॉन फोर या वन बाय फोर, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? वन बाय फोर। ऐसे ही आपको इस टाइप से रेक्टेंगल बना दिया गया, ठीक है, और उसके कितने पार्ट के? पहले से पार्ट काउंट करेंगे हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं? सेडेड कर रही हूं उनको, सो आपके पास कितने पार्ट हैं? एट पार्ट है टोटल, और कितने सेडेड है? तो वन टू थ्री,
सो 3/8 ये आपका क्या हुआ आंसर। ओके बच्चों, तो फ्रैक्शनल नंबर को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको दे दिया 3/8, क्या दे दिया 3/8 दे दिया और हमसे बोला गया कि क्या बोला हमसे कि शेड द 3/8 पार्ट ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो, आपको कुछ फिगर दे दिए जाएंगे ठीक है, और हमें 3/8 में करना है ठीक है, या आपके फिगर हो जाएंगे कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे फिगर दे दिए, आपसे बोला कि इसको 3/8 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे 8 पार्ट तो ये ऑलरेडी बने हुए दिए, अब हमसे बोला क्या 3/8 मींस 3 क्या करेंगे हम सेडेट कर देंगे। ओके, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 हम क्या करेंगे सेडेट कर देंगे बच्चों, सेट कर देंगे मींस 1, 2। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा बॉक्स सेट करना है ठीक है और कौन सा नहीं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, इतना समझ आया। फिर अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इन्हें रीड कैसे करेंगे, तो क्या होगा ये 3/8 क्या होगा 3/8, मैं इसको राइट कर देती हूँ बच्चों कि इन्हें हम रीड कैसे करेंगे, तो इसे हम रीड करेंगे बच्चों 3/8। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको हम 3/8 क्या बोलेंगे 3/8। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस ये आपकी नॉर्मल चीजें हैं बच्चों जिनमें आपको फ्रैक्शनल में पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट हैं अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।